ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने करंट का कर लिया था, ठीक है ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी पूरा हो गया था, एमटीजी ग्रुप में भेजा हुआ है, उसको आप लोग ट्राई करिएगा, अगर कोई भी डाउट होता है तो पूछ लीजिए, ठीक है ना। ठीक है, तो आज हम अपना अगला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। तो हेडिंग डालिए चैप्टर फोर मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, आज थोड़ा बेसिक बेसिक ही चीजें करेंगे, ठीक है ना, फिर हम लोग इससे आगे देखेंगे क्या क्या हो सकता है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है, तो आज देखो, जो सबसे पहली बात है कि स्टार्टिंग में किसी को भी ये नहीं पता था, जैसे सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी का खोज हो चुका था, मैग्नेटिज्म का भी खोज हो चुका था, लेकिन लोगों को ये पता था कि दोनों चीजें इंडिपेंडेंट, दोनों चीजें एक दूसरे पर निर्भर नहीं करती, ऐसा लोगों को लगता था। बहुत समय बाद एक साइंटिस्ट है, उनका नाम था ओरेस्टेड, ठीक है, वो एक प्रोफेसर थे, ठीक है ना, और वो एक डायस पे लेक्चर दे रहे थे, डायस पे खड़े होकर लेक्चर दे रहे थे, तो उनके की चैन में कंपास था, कंपास समझ रहे हो ना, की चैन में कंपास था, तो जब उन्होंने माइक वायर के ऊपर रखा तो कंपास अपनी जगह से हिला, तो जब कंपास अपनी जगह से हिला तो उन्होंने बोला कि ऐसा कैसे हो सकता है, इसका दो कारण है, या तो वहां मैग्नेट होगा या तो वहां आयरन होगा, तो उन्होंने देखा ठीक है आयरन होगा तो भी ऐसा हो सकता है, फिर जब उन्होंने दूसरे साइड रखा फिर कंपास हिला, ठीक है, जब दोनों बार कंपास हिला तब उन्होंने कहा कि ये कैसी है, ये क्या सिचुएशन, क्योंकि अट्रैक्शन एक प्रॉपर्टी और एक प्रॉपर्टी है रिपल्सन, ठीक है ना, तो रिपल्सन केवल दो मैग्नेट के बीच में हो सकता है, अट्रैक्शन जैसे अगर आपको मैं एग्जांपल दे दूं कि दो आइडेंटिकल बार हैं, मतलब दो आइडेंटिकल इस तरह से रॉड है, आइडेंटिकल है, इसमें से एक लोहा है, एक आयरन है और एक इसमें से मैग्नेट है, आपको पता करना है, एक मैग्नेट मैं आपको और दे दे रहा हूं, इससे आपको ये मैग्नेट आपको दे दिया मैंने, इससे आपको ये पता करना है कि इसमें लोहा कौन सा और इसमें मैग्नेट या चुंबक कौन सा, ये आपको पता करना, दोनों एक जैसे बाहर से एक जैसे पेंट के, पता ही नहीं चल रहा है। हाँ, तो मान लीजिए आपने दोनों तक इसको लेके आया, तो लेके आया तो मान लीजिए दोनों ने अट्रैक्ट किया तो पता नहीं चल पाया, मान लीजिए था कि दोनों ने अट्रैक्ट किया तो पता नहीं चल पाया, ठीक है, तो अब इसका काम करिए पोलैरिटी उल्टा कर, फिर लेके आइए, तो फिर लेके आएंगे तो क्या होगा, एक क्या करेगा रिपल करेगा और एक क्या करेगा अभी भी अट्रैक्ट करेगा, तो जो अभी भी अट्रैक्ट कर रहा हो क्या है आयरन है, और जो रिपल कर रहा हो क्या है मैग्नेट है, तो रिपल्सन एक प्रॉपर्टी है जो डिफरेंशिएट करती है बिटवीन आयरन एंड मैग्नेट, तो जब उन्होंने देखा कि भाई एक डायरेक्शन में कंपास ने डिफ्लेक्ट किया ये तो बात मेरे को समझ में आया, लेकिन ये जो दूसरे डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हुआ ना ये मेरे समझ से बाहर, क्योंकि दूसरे डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आयरन रहता बच्चों, अगर आयरन रहता तो उसका डिफ्लेक्शन एक ही डायरेक्शन में होता, भाई इधर ले जाओगे तब भी वैसे ही होगा, तो उन्होंने देखा कि दूसरे डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन हो रहा, तब उन्होंने बोला कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो फिर जाकर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और पाया कि एवरी करेंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिज्म, क्या पाया कि एवरी करेंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिज्म, और इसका एक एक्सपेरिमेंट भी है, कंपास लिया, कंपास के आगे इस तरह वायर लगा दिया, उसमें जैसे ही करंट को पास करा डिफ्लेक्शन हुआ, ऐसा एक्सपेरिमेंट हमने किया भी है, वो मैं दिखा दूंगा आप देख लीजिएगा, ठीक है ना, तो यही से शुरुआत हुई कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के इंटरलिंकिंग, अभी जो चैप्टर पढ़ रहे हैं इसमें इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का इंटरलिंकिंग, ये दोनों आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, तो पूरे चैप्टर में आप यही पढ़ेंगे, इस पूरे चैप्टर में ये पढ़ेंगे, इसके बाद एक चैप्टर आएगा मैग्नेटिज्म एंड मैटर, तो मैग्नेटिज्म एंड मैटर में केवल मैग्नेट के बारे में आप पढ़ेंगे, उसमें इलेक्ट्रिसिटी के साथ रिलेशन आप नहीं पढ़ेंगे, फिर एक चैप्टर आएगा ईएमआई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फिर उसमें इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बाद आपने बारे में आप पढ़ेंगे, ठीक है ना, तो इसीलिए मैं आपको पूरे मैग्नेटिज्म को थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ कि इस चैप्टर, ये देखो ये वाला चैप्टर काफी बड़ा है, ठीक है ना, इसलिए इसमें पेशेंस बहुत जरूरी है, सीबीएसई की थोड़ी सी कृपा आप लोग पे ऊपर है, सिलेबस थोड़ा कट हुआ है, ठीक है ना, बाकी जो बच्चे उनके लिए हम सिलेबस पढ़ेंगे, बाकी थोड़ा सिलेबस इसके अंदर कट हो गया, ठीक है ना, तो वो थोड़ा सा आपको एडवांटेज आप मिलेगा, बाकी
लेकिन अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि चैप्टर बहुत बड़ा है, ठीक है ना बच्चों। तो इस पूरे मैग्नेटिज्म को, जो पूरे 12th क्लास का मैग्नेटिज्म है, उसको मैं 3 पार्ट में ब्रॉडली क्लासिफाई करता हूँ। पहला पार्ट है बच्चों, पहला पार्ट है, देखो ये चैप्टर बड़ा है तो तुम सोचोगे कि कब खत्म होगा कि नहीं भी होगा, ऐसा तुम्हारे मन में आ सकता है कि ये तो खत्म ही नहीं हो रहा है, ये तो चलता ही जा रहा है, ठीक है ना। इसीलिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ ताकि आपका धैर्य बना रहे कि हम लोग कहाँ तक पहुंच चुके हैं और कितना बाकी है, ये मैं पहले ही बता दे रहा हूँ ताकि आपका धैर्य बना रहे कि क्या बाकी है और क्या नहीं बाकी है। तो इसमें पहला जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जनरेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, या जनरेशन ऑफ मैग्नेटिज्म, जनरेशन ऑफ मैग्नेटिज्म विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जनरेशन ऑफ मैग्नेटिज्म विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये पहला पार्ट है इसका, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विद द जनरेशन ऑफ मैग्नेटिज्म विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसका दूसरा पार्ट है बेटा फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज, फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज, फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन साइड, फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन साइड, इन साइड ए मैग्नेटिक फील्ड, इन साइड ए मैग्नेटिक फील्ड। ये मैं खुद में, ये सब एक एक चैप्टर है, खुद में ये सब एक एक चैप्टर है, इनको आप एक एक चैप्टर मान सकते, खुद में एक को। तीसरा पार्ट है बच्चों, तीसरा पार्ट जनरेशन ऑफ, पहले वाले का उल्टा, पहले वाले का उल्टा, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिज्म, 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 पहले वाले का उल्टा, पहले वाले में आपने इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म बनाया था, तीसरे वाले में आपने मैग्नेटिज्म, लिखते रहो बेटा लिखते रहो थोड़ा थोड़ा, तीसरे से तीसरे वाले में पहले वाले में क्या बनाया था, मैग्नेटिज्म बनाया था इलेक्ट्रिसिटी से, लास्ट वाले में क्या बनाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म से। इसी में चौथा पार्ट है मैग्नेटिज्म एंड मैटर, या परमानेंट मैग्नेट के बारे में पढ़ेंगे, तो मैग्नेटिज्म एंड मैटर, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, मैग्नेटिज्म ठीक है, मैग्नेटिज्म एंड मैटर ठीक है। ये 4 पार्ट है जो हमें पढ़ना है, 4 पार्ट है जो हमें पढ़ना है, ठीक है ना। ये चारों पार्ट आप लोग इसको एकदम लिख लीजिए और इसमें धैर्य एकदम रखिए कि क्या क्या मैं पढ़ाऊंगा, क्या क्या चीजें आराम से करते चलेंगे। इसलिए देखिए तो इसमें ये जो दोनों चीजें हैं, जो आप इधर देख रहे हैं, ये जो दोनों चीजें हैं, ठीक है ना, ये वाली दोनों चीजें, ये वाली जो दोनों चीजें हैं, ये वाली जो दोनों चीजें हैं, ये हम लोग चैप्टर 4 में कर लेंगे, ये जो दोनों चीजें किसमें कर लेंगे, चैप्टर 4 में। ये वाला जो चीज है, ये वाला जो चीज है, इसके लिए अलग चैप्टर है, चैप्टर 6, इसके लिए बच्चों है चैप्टर 6, ये है चैप्टर 6, और ये जो है ये है चैप्टर 5, ये सबसे छोटा है, ये जो है चैप्टर 5। मैं कंटिन्यूटी में इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, दिमाग में आपके फ्लो बने, कि आपके दिमाग में एक फ्लो बना रहे कि चीजें कैसे होंगी, चीजें क्या क्या हो, पूरे मैग्नेटिज्म में क्या है, 12th के पूरे सिलेबस में मैग्नेटिज्म में क्या है, तो 12th का पूरा सिलेबस है मैग्नेटिज्म का, जिसके अंदर ये चीजें। देखो दिमाग में जब तक कैटेगरी नहीं बनाओगे तब तक चैप्टर में खो जाओगे, तुम क्लासिफाई नहीं कर पाओगे कि कौन सी चीज कहाँ है, लेकिन अगर तुम्हारे दिमाग में 4 ब्रॉड कैटेगरीज बनी रहेगी तो आपको आइडिया लगेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट चैप्टर 5 के कुछ पॉइंट के साथ करूंगा, क्योंकि तो मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि 10th बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा होगा, ठीक है, पढ़ा भी होगा तो ठीक है, लेकिन जैसे अगर आप किसी चीज को पढ़ना चाह रहे हैं, जैसे मैं बोलूँ मैग्नेटिक फील्ड, जैसे मैं बोलूँ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, है ना, हालांकि पढ़ा होगा मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स क्या होता है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, ये सब आपको पढ़ना है चैप्टर 5 में, लेकिन मैं उसको पहले पढ़ाऊंगा क्योंकि इनका काम इधर भी पड़ जाएगा, तो जब इधर पड़ जाएगा तो फिर आपको बोलोगे तो फिर वो हो जाएगा कि अरे ये तो पढ़ा ही नहीं, भले उसको चैप्टर 5 में नहीं पढ़ेंगे, वो हम पहले ही पढ़ा देंगे आपको, इससे आपको बेसिक अल्फाबेट्स क्लियर हो जाएगा ना, जैसे मैं बी बोलूंगा तो बी मतलब क्या है ना, ये सब चीजें आपको क्लियर हो जाएगी, है ना, बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे आपको, ठीक है ना। तो ये हमारा पूरा चैप्टर का फ्लो है,
देखो जब एनसीईआरटी पढ़ोगे तो एनसीईआरटी स्टार्ट करता है सेकेंड से, जब स्टार्ट करोगे तो उसके स्टार्टिंग में ही लॉरेंज फोर्स की बात करेगा। लेकिन चैप्टर पढ़ने का सही तरीका है फर्स्ट, मतलब अगर अच्छे से समझना है चैप्टर को, पहले मैग्नेटिज्म जनरेट कर लो, फिर उसके बाद उसके फोर्स की बात करो। एनसीईआरटी पहले फोर्स की बात करता है, मैग्नेटिज्म की नहीं करता है। लेकिन सही टेक्निक ये होता है कि आप पहले मैग्नेटिज्म कर लो जनरेट, मैग्नेटिक फील्ड बना लो, अब उसके अंदर फोर्स वगैरह लगवाओ, ये फंडा होता है। तो इसीलिए हम लोग पहले जानबूझ के ये पढ़ रहे हैं, हमें पढ़ना सब है, आगे पीछे की बात है, तो वो चीजें हम ध्यान देंगे। क्लियर? ये आपको क्लियर है? चैप्टर थोड़ा सा बड़ा होगा, चैप्टर फोर काफी बड़ा है क्योंकि तो इसमें दो चीजें कवर होगी। चैप्टर फाइव बहुत छोटा है, तो चैप्टर फोर के बाद चैप्टर फाइव ही करेंगे, सिक्स नहीं करेंगे। वैसे तो आप परेशान नहीं होइएगा, चैप्टर फाइव के बाद, चैप्टर फोर के बाद चैप्टर फाइव करेंगे, फिर लास्ट में चैप्टर सिक्स करेंगे। चैप्टर सिक्स करने के बाद हमारे पास 12th में फर्स्ट बुक में दो चैप्टर और रह जाएंगे। एक हो जाएगा, एक बचेगा एसी, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर एसी। और जैसे बोलते हैं ना, एसी एसी वाला चैप्टर जिनका भी बायोलॉजी बैकग्राउंड है, उनकी उनके जान को मतलब प्राण को हर लेता है। और नीट में कम से कम 3 क्वेश्चन आता है, 2 से 3 क्वेश्चन एसी से आता है। हाँ, 2 से 3 क्वेश्चन नीट में पक्का एसी से आता है, और एसी प्राण को हर लेता है, ठीक है ना। लेकिन हम बहुत सिंप्लीफाइड वे में एसी पढ़ेंगे, एसी इंपॉर्टेंट। जैसे ही एसी कंप्लीट हो गया, तुम समझ लो कि तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो गया। क्यों? क्योंकि उसके बाद जो चीजें, हालांकि कुछ टाइम वेव ऑप्टिक्स रे ऑप्टिक्स में लगेगा, लेकिन अब उसके बाद सिलेबस हार्डली एक एक 1.5 महीने का रह जाए। मॉडर्न फिजिक्स 15-20 दिन में खत्म हो जाए, ठीक है ना। तो जो सिलेबस है अभी इधर ही है, तो घबराना मत, ये थोड़ा सा डिले हो सकता है इसमें, लेकिन अच्छे से पढ़ेंगे, एक बार पढ़ेंगे, बढ़िया पढ़ेंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद आपका सिलेबस जल्दी खत्म हो जाएगा। जितना टाइम फर्स्ट बुक में लगता है, उसका आधा से भी कम टाइम सेकेंड बुक, ये फैक्ट है, ठीक है ना। फर्स्ट बुक में चैप्टर बड़े बड़े रहते हैं। तो चलिए शुभारंभ करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन के साथ। इंट्रोडक्शन यानी मैं ये चैप्टर फाइव की चीजें बता रहा हूँ। मैं चाहूँ तो डायरेक्ट टॉपिक शुरू कर सकता हूँ, लेकिन इसमें आप लोग का हित नहीं, आप लोग का इसमें भलाई नहीं होगा, इसीलिए मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करना चाहूंगा, ठीक है ना। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद चीजों को। सबसे पहले लिखिए मैग्नेट क्या होता है। मैग्नेट क्या होता है, ये सब बच्चों मैं अभी 5th चैप्टर का पढ़ा रहा हूँ। 5th चैप्टर में मैग्नेट की डेफिनेशन है, 5th चैप्टर में मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन है। लेकिन फायदा क्या, जब पहले ही मैग्नेटिक फील्ड यूज करो, डेफिनेशन बाद में क्यों, इसलिए पहले बता दो। मैग्नेट लिखिए, इट इज द सब्सटेंस विच अट्रैक्ट, इट इज द सब्सटेंस विच अट्रैक्ट आयरन और, इट इज द सब्सटेंस विच अट्रैक्ट आयरन और आयरन लाइक मेटल। इट इज अ सब्सटेंस विच अट्रैक्ट आयरन और आयरन लाइक मेटल। इट इज अ सब्सटेंस विच अट्रैक्ट आयरन और आयरन लाइक मेटल। इट इज अ सब्सटेंस विच अट्रैक्ट आयरन लाइक मेटल। आयरन लाइक मेटल कौन कौन से, जैसे एग्जाम्पल निकेल एंड कोबाल्ट, निकेल एंड कोबाल्ट। मैग्नेट आयरन को तो अट्रैक्ट करते हैं, साथ में साथ निकेल और कोबाल्ट को भी अट्रैक्ट करते हैं, NiCu, निकेल और कोबाल्ट, इनको भी मैग्नेट अट्रैक्ट करता है। मेटल, आयरन लाइक मेटल ब्रैकेट में लिख लीजिएगा निकेल और कोबाल्ट, निकेल और कोबाल्ट इनको भी अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है ना। ठीक हो चुका, ये डेफिनेशन हो गया। दूसरा अब लिखिए मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, इसको बी से डिनोट करेंगे, इसको हम लोग बी से डिनोट करेंगे, इसको हम लोग बी से डिनोट करेंगे। लिखिए इसके बारे में, इट इज द सराउंडिंग अराउंड ए मैग्नेट, इट इज द सराउंडिंग, इट इज द सराउंडिंग अराउंड ए मैग्नेट, इट इज द सराउंडिंग अराउंड ए मैग्नेट, इट इज द सराउंडिंग अराउंड ए मैग्नेट इन विच, इट इज द सराउंडिंग अराउंड ए मैग्नेट इन विच अदर मैग्नेट एक्सपीरियंस अ फोर्स। इट इज अ सराउंडिंग अराउंड अ मैग्नेट इन विच अदर मैग्नेट एक्सपीरियंस अ फोर्स। इट इज अ सराउंडिंग अराउंड अ मैग्नेट इन विच अदर मैग्नेट एक्सपीरियंस अ फोर्स। इट इज अ सराउंडिंग अराउंड अ मैग्नेट इन विच अदर मैग्नेट एक्सपीरियंस अ फोर्स, एक्सपीरियंस अ फोर्स, ठीक है बच्चों। इट इज अ सराउंडिंग अराउंड अ मैग्नेट इन विच अदर मैग्नेट एक्सपीरियंस अ फोर्स। देखो बच्चों, जैसे कोई ये मैग्नेट है, तो ये अपने चारों तरफ एक इनविजिबल सा इफेक्ट क्रिएट करता है। कैसे पता,
देखो जैसे नॉर्थ पोल साउथ पोल है, अब यहां मैं कोई और मैग्नेट लेके आऊं बच्चों, अगर कोई और मैग्नेट अगर नॉर्थ साउथ लेके आता हूं तो इस नॉर्थ के ऊपर एक रिपल्सन लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा, लेकिन ऐसा थोड़ी हुआ कि जैसे ही लाओगे वैसे ही रिपल्सन लगेगा, लेकिन ऐसा थोड़ी हुआ कि इसके अंदर से कोई हाथ वाथ निकल के गया उसको मार के आया, नहीं आया ना। तो ये अपने चारों तरफ एक इफेक्ट क्रिएट करता है। वो कैसा इफेक्ट है? वो इफेक्ट है कि दूसरा कोई मैग्नेट आएगा तो उसको फोर्स लग जाए, उसी इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ये अपने चारों तरह के एक इफेक्ट क्रिएट करता है, उस इफेक्ट के अंदर कोई और मैग्नेट आ जाएगा तो उससे फोर्स लगेगा, उसी इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक। क्या रोशन, हाथ हटाओ। ठीक है ठीक है, इसको हम मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। बच्चों इसकी यूनिट क्या होगी? यूनिट याद रखना है, बी की यूनिट क्या होगी? बी की, तो बच्चों मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होगी, यूनिट होगी, इसको बी बार बार कहेंगे, और ये वेक्टर क्वांटिटी है बच्चों, तो बी के ऊपर कई बार एरो भी हो सकता है, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी यूनिट क्या होगी? इसकी यूनिट होगी टेस्ला, इसकी यूनिट होगी टेस्ला, निकोलस टेस्ला, याद है ना इनका नाम? एक दिन कहानी सुनाई थी मैंने इनके बारे में। इनका यूनिट क्या है? इनका यूनिट है टेस्ला, निकोलस टेस्ला के नाम पे टेस्ला इसकी यूनिट है बच्चों। ये इनका एसआई यूनिट भी है, इसके अलावा भी इनका एक यूनिट है, इसको एसआई यूनिट कोई और में कह सकते हैं, वेबर, वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर मतलब डब्ल्यू बी शॉर्ट में लिख सकते हैं। जैसे टेस्ला, जैसे बोले एक टेस्ला कहो चाहे एक वेबर पर मीटर स्क्वायर कहो, बात बराबर है। जैसे बोले एसआई यूनिट क्या है, तो एसआई यूनिट टेस्ला भी हो सकता है ऑप्शन में, ऑप्शन में वेबर पर मीटर स्क्वायर भी हो सकता है, वेबर फ्लक्स की होती है, आगे बता दे, लेकिन अभी के लिए याद करो इसकी यूनिट हो सकती है वेबर पर मीटर स्क्वायर भी हो सकती है। वेबर को शॉर्ट में डब्ल्यू बी लिखते हैं, ठीक है ना, वेबर को शॉर्ट में डब्ल्यू बी लिखते हैं, वेबर पर मीटर स्क्वायर भी इसके, एक ही बात है, एक वेबर पर मीटर स्क्वायर मतलब एक टेस्ला, ठीक है, वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये इसकी एसआई यूनिट है। इसकी सीजीएस यूनिट क्या होती है? इसकी सीजीएस यूनिट क्या होती है? इसकी सीजीएस, एसआई और सीजीएस पता है ना, ये बच्चों इसकी एसआई यूनिट है, एसआई। इसकी सीजीएस यूनिट क्या होती है? इसकी सीजीएस यूनिट होती है गॉस, क्या होती है? गॉस, इसको जी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये इसकी सीजीएस यूनिट होती है, सीजीएस यूनिट गॉस, इसको जी से रिप्रेजेंट करते हैं गॉस, ये इसकी सीजीएस यूनिट है। एक टेस्ला में, एक टेस्ला में 10^4 गॉस होता है, एक टेस्ला में 10^4 गॉस होता है, ये याद ही रहना चाहिए, एक टेस्ला में 10^4 गॉस होता है, क्योंकि तो न्यूमेरिकल में बहुत बार मैंने देखा है गॉस दिया हुआ है, ठीक है ना। तो गॉस को आपको जब कभी जरूरत होगा एसआई यूनिट में टेस्ला में कन्वर्ट करना आना चाहिए, एक टेस्ला बराबर 10^4 गॉस। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ के पास अपना मैग्नेटिक होता है कि नहीं, मैग्नेटिज्म होता है ना अर्थ के पास, तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को गॉस में पढ़ाया था, तो उसकी वैल्यू कम होती, ठीक है ना, तो उसकी वैल्यू कम होती है इसलिए उसको गॉस में पढ़ाया था। क्लियर? सिंबल इसका बी है, ये इसकी यूनिट्स हैं, आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला लिखो, नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, 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 लिखो बच्चों, दीज आर द इमेजिनरी लाइन्स, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स पर हम लिखो, दीज आर द इमेजिनरी लाइन्स ड्रॉन टू विजुअलाइज, दीज आर द इमेजिनरी लाइन्स, दीज आर द इमेजिनरी लाइन्स, दीज आर द इमेजिनरी लाइन्स ड्रॉन टू विजुअलाइज, दीज आर द इमेजिनरी लाइन्स ड्रॉन टू विजुअलाइज, ड्रॉन टू विजुअलाइज द डायरेक्शन ऑफ, दीज आर द इमेजिनरी लाइन्स ड्रॉन टू विजुअलाइज द डायरेक्शन ऑफ, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दीज आर द इमेजिनरी लाइन्स विच आर ड्रॉन टू विजुअलाइज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट इन स्पेस, 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 ठीक है, एट ए पॉइंट इन स्पेस। देखो बच्चे सबको पता होगा, वही पुरानी ड्राइंग कर रहे हो,
ठीक है ना, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या जाती है, ऐसे निकलती है, नॉर्थ से निकलती है, साउथ में टर्मिनेट होती है। बताए ना सबको ये, मैं दो ही बना रहा हूं, बाकी ये बहुत सारी होती है, और ये पूरी 3D में होती है, ये पूरी 3D में है, ये बोर्ड पे तो कमी बना रहा हूं, बहुत सारी होती हैं, 3D में होती है, ठीक है ना। हाँ, एक क्वेश्चन आया था इसी बात पे, जो तुम बोल रहे हो ना, इसी बात पे एक क्वेश्चन आया था, बड़े एग्जाम में क्वेश्चन आया था। नमन ठीक है, जैसे क्वेश्चन कि बच्चों क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ साउथ टू नॉर्थ ट्रेवल कर सकती है, क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइन साउथ टू नॉर्थ ट्रेवल कर सकती हैं, कर सकती हैं क्या, करती हैं। अब बच्चा ये एग्जाम में गलत लगा के आ गया था, उसको जैसे ज्यादातर बच्चों को याद आता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड टर्मिनेट एट द साउथ पोल, ऐसा याद आ गया, बोला नॉर्थ से निकल के मैंने तो पढ़ा साउथ में जाता है, अंदर कहाँ जाता है, साउथ से नॉर्थ जाता है कि नहीं। तो अगर ऑप्शन बोले कि क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ साउथ साउथ से नॉर्थ जा सकते, तो बिल्कुल जा सकते, जाती है, जा कह सकती, अंदर की तरफ जाना हो तो साउथ से नॉर्थ जाती, बाहर की तरफ नॉर्थ से साउथ जाती, समझे कि नहीं। अब ये पूरा 3D में होता है, जैसे ये तो 2D में मैंने रहा, यहां से एक फील्ड ऐसे भी निकल रहा होगा, ऐसे बाहर, फिर ऐसे जा रहा होगा, फिर ऐसे तिरछा भी निकल रहा होगा, ऐसे करके ऐसे, फिर ऐसे जा रहा होगा, ऐसे करके भी निकल रहा होगा, ऐसे करके ऐसे, फिर ऐसे जा रहा होगा, समझ रहे हो कि नहीं, समझ रहे, चारों तरफ से निकल रहा होगा, ठीक है ना। अब देखो, जैसे मुझे किसी ने बोला कि इस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड का, ये किसके लिए यूज बना है, ये इमेजिनरी लेंस है, एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती है। मुझे किसी ने बोला कि इस पॉइंट पे आप मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताओ, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट का नाम दिया ए, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताओ, तो बच्चों देखो मैं देखूंगा कि इधर फील्ड लाइंस कैसे जा रही है, ऐसे जा रही है, तो यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करो, टेंजेंट यहाँ पे टेंजेंट ऐसे ही ड्रॉ करो, अब टेंजेंट पीछे भी ड्रॉ हो सकता है, लेकिन आपको टेंजेंट उसी डायरेक्शन में ड्रॉ करना है जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो यहाँ पर टेंजेंट का डायरेक्शन इधर है, तो मतलब इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर हो, ठीक है। कोई बोले कहीं भी ले लो, जैसे बोले इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताइए, इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे क्या करो, टेंजेंट ड्रॉ करो, तो जो टेंजेंट का डायरेक्शन होगा वही इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को देखने के किसी भी पॉइंट पर अगर आपको लाइंस दे रखी, तो आपको अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखना है, तो ये काम आप कर लीजिए, वहां पे कोई भी एक पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, वो आपको डायरेक्शन दे देगा। अच्छा, ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन से क्या मतलब है, ये भी बात हमें समझना है कि भाई डायरेक्शन तो दीजिए, लेकिन इसके डायरेक्शन से मतलब क्या है, ठीक है ना, पूरा समझो, ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन से क्या मतलब। देखो तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन से, जैसे बीए का डायरेक्शन ये है, तो ये कहना चाहता है यहां पे अगर किसी और मैग्नेट का नॉर्थ पोल रखोगे, किसी और मैग्नेट का नॉर्थ पोल, तो वो ऐसे ही जाएगा, लेकिन साउथ रखोगे तब, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का हिसाब किताब है कि पॉजिटिव चार्ज उसके साथ जाता है और नेगेटिव चार्ज उसके अपोजिट जाता है, तो उसी तरह से नॉर्थ पोल को मान लो पॉजिटिव चार्ज और साउथ पोल को मान लो नेगेटिव चार्ज, तो नॉर्थ पोल रखोगे तो ये बी के डायरेक्शन में जाएगा और साउथ पोल रखोगे तो बी के अपोजिट जाएगा, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो बी का डायरेक्शन बेसिकली ये बताता है कि अगर किसी और मैग्नेट का नॉर्थ पोल रखा जाए तो किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, ठीक है ना। एक लिखो लास्ट टॉपिक इंट्रोडक्शन में, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, ये सब सारी चीजें चैप्टर 5 में नहीं पढ़ाई जाएंगी, इसलिए पहले ही पढ़ा दे रहा हूँ। देखो प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, ये सब चैप्टर 5 की चीजें चल रही है, लेकिन बाद में पढ़ाने का इंट्रोडक्शन क्या जरूरत है, जब बीच में यूज ही करना है उसको बार बार, एनसीईआरटी वाले थोड़े बहुत हैं सिचुएशन में मत। हाँ, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस,
वो ये समझते हैं कि बच्चा 10th में पढ़ के तो आया है, वो ही नहीं जानते हैं बच्चों को, हमारे बच्चे कैसे हैं। अभी जो क्लास पास कर जाए अगली क्लास का पता नहीं रहता, उनको तो पता है नहीं। कोई बात, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, डाल लिया हेडिंग। पहला लिखो, पहला आप सब लोग जानते हैं, दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। पहला, दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते, दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते। ये बच्चों 10th में भी लॉजिक पढ़ा था, फिर से बता दे रहा हूं कि बच्चों अगर ये इंटरसेक्ट कर गई, अगर ये इंटरसेक्ट कर गई तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे दो डायरेक्शन हो जाएगा टेंजेंट का, एक इधर और एक इधर, यानी एक ही मैग्नेट का नॉर्थ पोल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे दो जगह जाना चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है, जाएगा तो एक ही जगह जाएगा, इसीलिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो इंटरसेक्ट करे। ठीक है, अगला लिखो। हाँ बोलो। चलो हम, तुम तो सिंपल एग्जांपल ले रहे हो, हम कॉम्प्लिकेटेड लेके दिखाते हैं। मैं एक बार हुआ कि मैं यही चीज 10th में पढ़ा रहा था, ठीक है ना, बताता हूँ घटना। प्रॉपर्टीज मैंने पढ़ाई कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, तो नहीं करती तो नहीं करती, बात पे अपने अड़िग रहे थे। अब इसके लिए चाहे एक्सप्लेनेशन कुछ भी हो जाए, आओ देख। तो वो बच्चा था, तो उसने, अब देखो क्या क्लास में क्या गेम चला। उस बच्चे ने बोला कि ठीक है सर, आपने कहा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करती, उसने एक मैग्नेट लाया, इसका नॉर्थ पोल इसका साउथ, फिर बोला सर मैं दूसरा वाला मैग्नेट का नॉर्थ पोल ला दूं, फिर अब आप बताइए, अब तो इसे फील्ड लाइंस निकलेगी, इसे फील्ड लाइंस निकलेगी, अब तो करनी चाहिए, तो फिर बात अभी भी नहीं करेंगे, अब क्या जवाब है? तो मैंने कहा फील्ड लाइंस ऐसे हो जाती है, और सच में ऐसे हो जाती है, कोई भी इसमें मजाक नहीं, ऐसे हो जाती हैं, लेकिन अभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है, ये फील्ड लाइंस ऐसे निकलने लगी। हाँ, कहाँ पे पे? नेट आएगा, जो नेट आएगा, जैसे इसका देखो, इसमें जैसे अगर तुम्हें डाउट है, इसमें कोई भी, अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अलग बनी, अब उसके हिसाब से देखना पड़ेगा कि वो किधर जा रहे। अगर दो मैग्नेट ला दिए, तीन, तो उसके, अब बच्चा पहले उसका सुन लो बात, फिर उसने क्या किया, एक और काम किया। अच्छा, बोला अच्छा सर यहाँ तो आपने बता दिया, फिर उसने बोला सर मैं ऊपर से भी ला दे रहा हूँ, अब मैं नीचे से भी ला दे रहा हूँ। भाई साहब, वो तो बोला कि अभी भी मत सर मान रहे हैं इंटरसेक्ट नहीं करा, मुझे तो करवाई गई, मानना है इंटरसेक्ट। तो मैंने कहा फिर नहीं मान, फिर नहीं इंटरसेक्ट करेगी, तो फिर मैंने क्या बोला, अब की बार ऐसे निकल जाएगी। और ये भी सच बात है, अभी अभी आप लोगों को पता नहीं है, लेकिन डीसी मोटर होती है चार पोल की, उसमें ऐसा ही होता है, ये भी सच बात है, अभी भी नहीं करेंगे, मैंने फील्ड लाइंस बना दिया कि ऐसे करेगी। फिर बोला अच्छा सर, फिर उसने बोला अच्छा, अब हम चार लोग मिल गए सर, और सब मैग्नेट को पुश करने लगे एक दूसरे को, जैसे मतलब एक गैस ही खत्म हो जाए। अभी इंटरसेक्ट तो हमको अभी भी नहीं कराना था, ठीक है फिर भाई, जो बात सही है सही है। जैसे आपको बताया था कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकती, चाहे कुछ भी कोई बोल दे नहीं हो सकती, अब उसके लिए चाहे किसी भी एक्सप्लेनेशन पर उतर जाए नहीं हो सकती, बताया था कि नहीं होगा, उसी तरह से यहाँ है, नहीं कर सकती तो नहीं कर सकती। फिर बोला हम चारों लोगों ने मिल के बहुत सारा फोर्स लगा के इन सबको पास में कर दिया, एकदम लॉक कर दिया, अब बताओ सर अब क्या हो, जगह ही नहीं छोड़ा। तो मैंने बोला फिर भी नहीं इंटरसेक्ट करेगी, ये मैग्नेट डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, लेकिन अभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, अगर आप ऐसा करते हैं तो मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी लॉस हो जाएगी थोड़े समय के, लेकिन अभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ये सही बात है। अगर आप जबरदस्ती करेंगे तो इसका मैग्नेटॉन लूज, हाँ मैग्नेटॉन लूज होने लगे, अभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर, नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, बात खत्म, ठीक है ना। तो ये बात याद रखना, आप कुछ भी, अगर दो मैग्नेट का सिस्टम आ गया, तीन मैग्नेट का सिस्टम आ गया, तो उनके एक साथ कंबाइन इलेक्ट्रिक फील्ड को, सॉरी कंबाइन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को देखा जाएगा, वो जिस डायरेक्शन में होंगी वो उसी में जाएगा, ठीक है ना, क्लियर। चलो लिखो दूसरा प्रॉपर्टी।
ऑलवेज फॉर्म्स क्लोज लूप, दे ऑलवेज फॉर्म्स क्लोज लूप, दे ऑलवेज फॉर्म्स क्लोज लूप। ये बात तो सही लग रही है, बिना पेन उठाए आप ड्रॉ कर सकते हैं। दे ऑलवेज फॉर्म्स क्लोज लूप, ये हमेशा, और यही वो प्रॉपर्टी है जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से मेल नहीं खाती। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नेवर फॉर्म्स क्लोज, और ये ऑलवेज फॉर्म्स क्लोज। ये तो क्लियर ही है कि बिना पेन उठाए आप ड्रॉ कर सकते हो फील्ड लाइन्स। अगला लिखो, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, द डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइन्स, द डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइन्स, द डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, द डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, द डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, टू द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक। जैसे बच्चों मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है, कोई भी एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है, ये आगे जाके फैल रही है। ऐसा मान लो मैंने कोई भी डायग्राम देखा जिसके अंदर ऐसा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आगे जाके फैल रही है। तो इसमें तीन पॉइंट है, जैसे एक पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ पे एक पॉइंट है, इसको मैं ए कह ले रहा हूँ, यहाँ पे एक पॉइंट है, इसको मैं बी कह रहा हूँ, ये पॉइंट है इसको बी कह रहा हूँ, यहाँ पे एक पॉइंट लिया, यहाँ पे सी कह रहा हूँ। तो ये प्रॉपर्टी कहता है कि ए पॉइंट पर बी एट ए इज ग्रेटर देन बी एट बी इज ग्रेटर देन बी एट सी। मतलब जितनी फील्ड लाइंस पास पास रहेंगी वहां मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू उतनी ज्यादा है। देखो यहां भी तीन है लेकिन तीन पास पास है, यहां उससे थोड़ी दूर दूर, यहां बहुत दूर दूर। तो जब पास में रहेंगे तो उस पॉइंट पे बी की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, और जब दूर जाएंगे तो बी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। इसलिए पोल्स के पास बी ज्यादा होता है, क्योंकि पोल के पास आप पाते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, एकदम पास पास। समझ आ रहा है, इसको भी लिख लो। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिख, द नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स, द नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स इमर्जिंग फ्रॉम ए पोल, द नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स इमर्जिंग फ्रॉम ए पोल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, द नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स इमर्जिंग फ्रॉम ए पोल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ द पोल, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ द पोल, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ द पोल, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ द पोल, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ द पोल। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ द पोल। इधर ध्यान दो बच्चों, जैसे मान लो दो मैग्नेट है, एग्जाम्पल, एक मैग्नेट में ऐसे ड्रॉइंग बनाया मैंने, मतलब इससे तीन फील्ड लाइंस निकली, ठीक है ना, एक और मैग्नेट बनाया, ठीक है, एक और मैग्नेट बनाया, इससे मान लो मैंने इस तरह से करके पांच, तो विच मैग्नेट इज मोर पावरफुल, जिससे ज्यादा फील्ड लाइंस निकली, ठीक है ना, इसका मतलब है कि जिससे ज्यादा फील्ड लाइंस निकलेंगी वो मैग्नेट ज्यादा पावरफुल है। इसलिए बोला कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इमर्जिंग फ्रॉम ए पोल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोल स्ट्रेंथ, मतलब उस पोल की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, वो ताकतवर है, वो पोल क्या है, ताकतवर, ठीक है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ द पोल। ये लास्ट प्रॉपर्टी, ठीक है, ठीक। अब अपना पहला टॉपिक है, पहला टॉपिक आराम से लिखते, पहला टॉपिक क्या था पता है ना आपको, जनरेशन ऑफ मैग्नेटिज्म विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पहला टॉपिक जनरेशन ऑफ मैग्नेटिज्म विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लिखवाया था ना चार टॉपिक, उसमें पहला। अब
देखिए अब जब तक मैं ना बोलूं तब तक ये पूरा का पूरा चीज जो भी आगे पढ़ोगे सब पहले में जाता जाएगा, सब पहले में जाता जाएगा जब तक मैं ना बोलूं, ठीक है ना। तब तक सारे का सारा टॉपिक इस पहले के अंदर है। ये मतलब ऐसा समझो कि मैग्नेटिज्म चार चैप्टर में है, पहला चैप्टर शुरू करने, ठीक है, पहला चैप्टर हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो इसके बारे में लिखो, एवरी कर, इसी में नीचे लिखो, एवरी करेंट कैरिंग वायर, एवरी करेंट कैरिंग वायर, इसी के अंदर, इसी के अंदर, इसी के अंदर नीचे लिखो, स्टार्ट करो इसको, एवरी करेंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिज्म, प्रोड्यूसेस मैग्नेटिज्म, इट वॉज डिस्कवर्ड बाई, हाँ, एवरी करेंट कैरिंग वायर, एवरी करेंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिज्म, एवरी करेंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिज्म, ठीक है ना। फुल स्टॉप कर देखो, इट वॉज डिस्कवर्ड बाई ओस्टेड, ओरेस्टेड, ठीक है ना, ओ ई, हाँ ओ ई, स्पेलिंग देख लो इनका, ओ ई आर एस टी ई डी, इट वॉज डिस्कवर्ड बाई ओरेस्टेड, डिस्कवर्ड बाई ओरेस्टेड, इसे किसने खोजा था, ओरेस्टेड ने, जो बताया था ना जो साइंटिस्ट जो प्रोफेसर, ये ओरेस्टेड ने खोजा था, ठीक है ना, कि हर करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिज्म को प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना। तो दुनिया में जब एक चीज की खोज होती है तो फिर उसके पीछे बहुत सारे लोग लग जाते हैं कि हम भी उसमें कुछ अपना काम करें और कुछ भी अपना नाम कमाएं। तो इसी में अभी ओस्टेड तो ये बता के हट गए थे, जैसे आपने पढ़ा कि भाई लाइक चार्जेस रिपल इच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट इच अदर, ये तो सबको पता था, डिस्कवरी हो चुका था, लेकिन कितने फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं, कितने फोर्स से रिपल करते हैं, ये किसने बताया था, कूलम ने बताया था, ठीक है ना। तो कूलम ने प्रॉपर फॉर्मूला दिया, बताया कि क्या क्या होगा, कितना कितना फोर्स होगा, किस किस चीज पे डिपेंड करेगा, सब कूलम ने बताया। लेकिन ये तो पहले, उसी तरह से ओस्टेड ने ये तो बता दिया कि मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होगा, लेकिन ये नहीं बताया कि करंट कितना होगा तो कितना होगा, ठीक है ना, इतना दूरी होगा तो कितना होगा, डायरेक्शन क्या होगा, ये सब नहीं बता पाए। इसके लिए दो साइंटिस्ट, उनका नाम था, हाँ बता दो बेटा, प्रोड्यूसेस मैग्नेटिज्म, प्रोड्यूसेस हाँ बात वही, एवरी करेंट कैरिंग, सही है सही है सही है। अरे हाँ, इंग्लिश गधा कहेंगे, ठीक लिखा है, तुम्हारी इंग्लिश गड़बड़ चल रही है। हर करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना, इधर ध्यान दो। तो इसके अंदर सबसे पहला लॉ हम लोग पढ़ेंगे, बायट सेवर्ट लॉ, बायट सेवर्ट लॉ। ये कुछ कुछ उसी तरह समझ सकते हो कि ओस्टेड तो बता के चले गए, लेकिन अब बारी है उसको डिटेल में किसने बताया उसके बारे में, बायट सेवर्ट, बायट सेवर्ट। देखो थोड़ा बहुत मैं एक्स्ट्रा भी चीजें बताऊंगा और वो मैं साफ साफ बता दूंगा कि सिलेबस में नहीं, लेकिन वो थोड़ा समझने के लिए आपको वो आपके अंदर एक कंप्लीशन की फीलिंग देगा, ठीक है ना। एनसीईआरटी बहुत सारी चीजें स्किप कर गया बीच, ठीक है ना, इससे, लेकिन आपको थोड़ा बहुत अगर बस आपकी समझ बढ़ेगी, मेरे कहने का मतलब इतना है कि उसको करने से आपका समझ बढ़ जाएगा, बस इसलिए उस चीजों को मैं कराऊंगा। तो बच्चों इन्होंने बोला था, इसके बाद इनके बारे में एक लाइन लिखो, श्रद्धा सुमन अर्पित करो इनको, एक डेफिनेशन एक लाइन देके इनको, चलो लिखो, इट इज, इट टेल अस अबाउट, इट टेल अस अबाउट, इट टेल अस अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड, इट टेल अस अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाई, इट टेल अस अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाई ए स्मॉल करेंट कैरिंग, इट टेल अस अबाउट, इट टेल अस अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाई ए स्मॉल करेंट कैरिंग एलिमेंट, ए स्मॉल करेंट कैरिंग एलिमेंट, इट टेल अस अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाई ए स्मॉल करेंट कैरिंग एलिमेंट एट ए पॉइंट इन स्पेस, इट टेल अस अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाई ए स्मॉल करेंट कैरिंग एलिमेंट एट ए पॉइंट इन स्पेस, स्मॉल करंट के स्पेस, स्पेस, जैसे बच्चों देखो ये कोई करंट है, करंट कैरिंग वायर है, इसमें करंट आई जा रहा है, तो इस वायर का एक छोटा सा टुकड़ा लिया था, किसने छोटा सा टुकड़ा लिया था, बायट ने,
और बोला इस छोटे से टुकड़े के कारण कोई एक पॉइंट यहां पे लिया, तो इस पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड पड़ेगा, इसकी स्टडी की। मतलब एक करंट आई जा रहा है, तो इसका एक छोटा सा टुकड़ा लिया, इस टुकड़े के कारण इस पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, उसकी स्टडी किसने की थी? बायट ने। तो बच्चों इस टुकड़े का नाम उन्होंने दिया था डीएल। डीएल मतलब इसका डीएल मतलब लेंथ के टर्म में बताया था कि ये लेंथ छोटा सा लेंथ लिया है, और इसको उन्होंने वेक्टर बोला था, और इसका नाम दिया था करंट एलिमेंट। क्या नाम दिया था? करंट, लिखवा दूंगा अभी घबराऊ मत, करंट एलिमेंट। तो करंट एलिमेंट का क्या डेफिनेशन दिया कि इसका डायरेक्शन, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका वैल्यू लेंथ के बराबर है, और इसका डायरेक्शन वही है जो करंट का डायरेक्शन, डीएल का डायरेक्शन वही है जो कि करंट का। डीएल क्या है? करंट एलिमेंट। इसका जो डायमेंशन है वो लेंथ का है, मतलब इसका यूनिट लेंथ वाला है, मतलब ये लेंथ ही है लेकिन इसके पास डायरेक्शन भी है, और वो डायरेक्शन वही है जो करंट का ही है। अच्छा ऐसा क्यों किया उन्होंने? क्योंकि आपको पता है करंट एक स्केलर क्वांटिटी, ठीक है ना, इसीलिए इसके लिए डीएल लिया। अब बच्चों डीएल, अब बोला कि इस डीएल से इस पॉइंट पे एक वेक्टर खींचो, ठीक है ना, तो इस डीएल से इस पॉइंट पे एक वेक्टर खींचोगे तो वेक्टर ऐसे जाएगा, ऐसे। जैसे मैं डीएल अभी बहुत बड़ा बना रहा हूं, बाकी बच्चों डीएल मतलब बहुत छोटा, मतलब ऐसा समझो कि 1 मीटर रॉड को अरबों खरबों टुकड़ों में काट दिया गया हो, फिर उसके बाद एक टुकड़ा जो बचा उसको फिर अरबों खरबों में काट दिया गया हो, तो अब जो एक टुकड़ा बचा वो डीएल है। समझ रहे हो कि नहीं? लेकिन अब मुझे तो पढ़ाना है, फिजिक्स पढ़ाना है, मुझे तो डीएल बनाना पड़ेगा ना। तो तुम ये मत समझना कि सर ऊपर से क्यों नहीं शुरू किया, नीचे से क्यों शुरू किया, क्योंकि भाई डीएल इतना छोटा है कि मैं कहीं से तो बनाना है, तो मैं यहीं से बना रहा हूं, ठीक है ना। तो इस वेक्टर को नाम दिया गया आर। क्या नाम दिया गया? आर। एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है फ्रॉम डीएल टू वो पॉइंट जिस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। क्लियर है? अब इनके फॉर्मूले की बारी है। उन्होंने फॉर्मूला दिया था, वही मैं लिख रहा हूँ। डीबी इज इक्वल्स टू डीबी। डीबी क्यों कहा? कि जब छोटा सा लेंथ है तो छोटा सा ही मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, तो डीबी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई। म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर क्यूब। ये आर के मैग्नीट्यूड का क्यूब। म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर क्यूब डीएल, डीएल क्रॉस आर, डीएल क्रॉस आर। और जो डीएल क्रॉस आर, ये इन्होंने बैट सेवर्ट ने अपना पूरा फॉर्मूला दिया। म्यू नॉट सब बता रहा है, अभी बताया नहीं है। म्यू नॉट है बच्चों। डीबी क्या है? तो आपको पता है डीबी है स्मॉल मैग्नेटिक, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड। तब लिख रहा हूं कौन सी चीज क्या है। इसकी यूनिट आपको पता है ना बच्चों? डीबी की यूनिट पता है ना, क्या होगी? टेस्ला। डीबी की यूनिट होगी टेस्ला। डीएल क्या है? डीएल है करंट एलिमेंट। हाँ ये पॉइंट वाला, पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड बना वो डीबी है, ठीक है ना। ये डीएल क्या है? करंट एलिमेंट है। डीएल क्या है? करंट एलिमेंट। करंट एलिमेंट इसमें बच्चों ब्रैकेट में लिख लेना, इसका डायमेंशन जो होता है, डायमेंशन वो लेंथ का होता है, वो लेंथ का होता है, यानी इसका यूनिट क्या होगा? मीटर। इसका डायमेंशन किसका होता है? लेंथ का। इसका जो डायरेक्शन होता है बेटा, इसका जो डायरेक्शन होता है वो आई का होता है, इसका डायरेक्शन आई का होता है, और इसका डायमेंशन लेंथ। समझ आ रहा है? इसका डायरेक्शन जो अभी आपको समझाया वही मैं लिख दे रहा हूं ताकि आप लोग को पता रहे, ठीक है ना, कौन सी चीज क्या है। ठीक है बच्चों, म्यू नॉट एक कांस्टेंट है, लेकिन इस कांस्टेंट का नाम है, ठीक है ना, इसको कहते हैं परमियबिलिटी। ये म्यू लिखा है, म्यू ऐसे लिखा है और नीचे नॉट लगा है, नीचे नॉट लगा है, म्यू नॉट, ठीक है ना। इसको कहते हैं परमियबिलिटी, परमियबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस या वैक्यूम भी आप कह सकते, परमियबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ये बताता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अभी, मतलब ये बता रहा है कि ये पूरा का पूरा मीडियम स्पेस में है, मतलब वैक्यूम में, ठीक है ना। तो उसके लिए ये कॉन्स्टेंट की वैल्यू इतनी आई। किसी और मीडियम में डालोगे तो कॉन्स्टेंट की वैल्यू कितनी आएगी वो हम देखें। इसकी वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 रेस्ट टू पावर -7।
ये हमेशा फिक्स रहेगी, 4 पाई इंटू 10 रेस्ट टू पावर माइनस 7। बच्चों इसकी यूनिट देख लो, यूनिट आप लोग निकाल सकते हैं कैसे, तो अभी देखो निकालते हैं। 4 पाई इंटू 10 रेस्ट टू पावर माइनस 7 यूनिट इसका जरूरी। यूनिट कैसे निकाला देखो बच्चों, डीबी का यूनिट क्या होगा टेस्ला, आई का यूनिट क्या होगा एम्पियर, करंट है एम्पियर, 4 पाई का कोई यूनिट नहीं होगा, आर क्यूब का यूनिट क्या होगा मीटर क्यूब, आर क्यूब का यूनिट क्या होगा मीटर क्यूब, इसका यूनिट क्या होगा मीटर, इसका यूनिट क्या होगा मीटर, तो ऊपर आया मीटर स्क्वायर और नीचे आया मीटर क्यूब, कट गया क्या बचा नीचे मीटर। अब देखो अब इस मीटर को इधर मल्टीप्लाई करो, टेस्ला मीटर और आई, आई का क्या है एम्पियर, नीचे चला गया टेस्ला मीटर पर एम्पियर, तो इसकी यूनिट होगी टेस्ला मीटर पर एम्पियर, इसकी यूनिट टेस्ला मीटर पर एम्पियर। बच्चों आई लिख लेना करंट है कहां बेटा, डायमेंशन लेंथ, डीएल के बारे में बता रहा हूं ना, डीएल का यूनिट लेंथ के बराबर है और इसका डायरेक्शन करंट के बराबर, करंट का डायरेक्शन आई लिख लेना करंट है, आर क्या है आर लिख लेना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, आर क्या है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, कहां से कहां तक डीएल से लेके उस पॉइंट तक जिस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो बच्चों आर आप आई लिख लीजिएगा करंट है, आर लिख लीजिएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, कहां से कहां तक तो जिस पॉइंट तक हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ठीक है चलिए ठीक है ठीक है, समझ में आ रहे हैं ना सबको अभी तक, आराम आराम से पढ़ाएंगे, घबराने की किसी को कोई जरूरत नहीं। ठीक बच्चों थोड़ा सा क्रॉस प्रोडक्ट मैं उम्मीद करता हूं आपको आता होगा, जिनको नहीं आता वो ध्यान से देखो, क्रॉस प्रोडक्ट जैसे बच्चों मान लो वेक्टर, वेक्टर में दो प्रोडक्ट होता है, जैसे वेक्टर आप पढ़ते हैं तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, बच्चों मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर पढ़ते हैं ना, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, तो जो लोग रोटेशन मेरे से पढ़े मैंने ये पढ़ाया है, क्रॉस मैंने पढ़ाया है, ठीक है ना, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर, तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर दो तरीके से होता है, एक होता है डॉट प्रोडक्ट, एक डॉट प्रोडक्ट होता है या इसी को स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं, और एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट, इसको वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट यानी वेक्टर दो तरीके से मल्टीप्लाई होता है, ये स्केलर की तरह मल्टीप्लाई नहीं होता है। तो डॉट प्रोडक्ट में जैसे अगर दो वेक्टर है, मान लो एक वेक्टर ए ऐसा है और एक वेक्टर बी ऐसा है, उनके बीच में एंगल थीटा है, तो जब डॉट प्रोडक्ट लिखेंगे, ये वेक्टर है तो वेक्टर के ऊपर ऐसे एरो बनाते हैं वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो डॉट प्रोडक्ट बराबर होगा सी बराबर ए डॉट बी, तो इसका मतलब क्या होगा ए बी कॉस थीटा, मतलब मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। बच्चों इसका आउटपुट स्केलर होता है, इसका आउटपुट क्या होता है स्केलर, इसीलिए इसे स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट में सी इसका आउटपुट वेक्टर होता है, इसीलिए वेक्टर लिखा है, तो सी इज इक्वल्स टू ए क्रॉस बी, सी इज इक्वल्स टू ए क्रॉस बी, तो इसको क्या लिख सकता हूं बच्चों, तो इसको लिखूंगा मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू साइन थीटा और साथ में ईटा कैप, साथ में क्या होता है ईटा कैप क्यों होता है, ईटा कैप इसलिए होता है बच्चों क्योंकि अगर वेक्टर प्रोडक्ट है तो इसका एक डायरेक्शन भी तो आएगा, जैसे अभी ये स्केलर प्रोडक्ट है तो इसमें डायरेक्शन नहीं आया, अब ये वेक्टर प्रोडक्ट है तो इसमें डायरेक्शन आएगा, तो अब एक क्रॉस, अब ये ईटा कैप का डायरेक्शन क्या होगा देखो ध्यान से एकदम, इस ईटा कैप के डायरेक्शन के लिए राइट हैंड थंब रूल, ईटा कैप के डायरेक्शन के लिए राइट हैंड थंब रूल, मतलब देखो ध्यान से, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन चाहिए, ए की तरफ हाथ रखो दाहिना हाथ और बी की तरफ घुमाओ, ए की तरफ हाथ रखो और बी की तरफ घुमाओ, तो अंगूठे का जो डायरेक्शन होता है वही डायरेक्शन किसका होता है ए क्रॉस बी का, अंगूठे का जो डायरेक्शन होता है वही किसका डायरेक्शन होता है ए क्रॉस बी का, अगर मैं बोलूं बी क्रॉस ए का डायरेक्शन बताओ तो बी की तरफ हाथ रखो ए की तरफ घुमाओ, तो अंगूठे का डायरेक्शन किधर है अंदर की तरफ, ए किसका बी क्रॉस ए का डायरेक्शन,
ठीक है ना, ए क्रॉस बी, ए के ऊपर हाथ रखना है और बी की तरफ घुमाना है, क्लियर। ए की तरफ हाथ रख के बी की तरफ घुमाना है, बी क्रॉस ए के लिए बी की तरफ हाथ रखना और ए की तरफ घुमाना है, क्लियर, डन। किसी कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है ना, ये नोट कर लो, बाकी अभी देखते हैं। बस एक इसका स्केलर फॉर्म नोट कर लो, नेक्स्ट क्लास में फिर हम इससे आगे चलते, ठीक है ना। डॉट और क्रॉस के बारे में थोड़ा सा मैंने आपको बताया, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में, डॉट और क्रॉस, ठीक है ना। तो बच्चों आगे बढ़ो ना, कोई दिक्कत नहीं। हाँ तो बच्चों इसका स्केलर फॉर्म भी हो सकता है, बायट सेवट का स्केलर फॉर्म, तो मैं वहीं पे लिख देता हूँ तो ज्यादा अच्छा आपके पास इसको। बच्चों इसका स्केलर फॉर्म क्या हो सकता है, तो डीएल क्रॉस आर को क्या लिख सकता हूं, डीएल इंटू आर इंटू साइन थीटा लिख सकता हूं, नहीं, डीएल इंटू आर इंटू साइन थीटा, तो आर ऊपर आता और आर क्यूब नीचे, तो एक कट जाता, आर स्क्वायर हो जाता, ऊपर क्या बचता, डीएल साइन थीटा, ठीक है ना। तो ये थीटा क्या है, थीटा ये वाला एंगल, थीटा बच्चों ये वाला एंगल है जो डीएल और आर के बीच में बन, जो डीएल और आर के बीच में एंगल बन रहा है वो क्या है, इसी का स्केलर फॉर्म में इसके नीचे ही लिख दे रहा हूं, स्केलर फॉर्म। स्केलर फॉर्म में डीबी का केवल मैग्नीट्यूड निकलेगा, डीबी का केवल मैग्नीट्यूड निकलेगा, स्केलर फॉर्म है, स्केलर फॉर्म, स्केलर फॉर्म, इसमें डीबी का केवल मैग्नीट्यूड निकलेगा। तो मैग्नीट्यूड कितना का, म्यू नॉट आई अपॉन बच्चों 4 पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर क्यों बचेगा, समझ पा रहे हो कि नहीं समझ, टी एल आर साइन थीटा बनेगा ना ऊपर, तो एक आर कट जाएगा और यहां क्या बचेगा, डीएल, डीएल साइन थीटा, डीएल साइन थीटा, ये इसका स्केलर फॉर्म, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर डीएल साइन, ये इसका स्केलर। अब बाकी वेक्टर फॉर्म ऊपर है, स्केलर फॉर्म ये रहा, ठीक है। सेम डे रिवीजन किया करो, ठीक है, सार्थक जो पढ़ो उसको उसी दिन रिवाइज करोगे ना तो एकदम दिमाग में बैठ जाएगा, मतलब विद इन 24 आवर्स उसको रिवाइज करो, ठीक है। तो बस बच्चों इसके बारे में अब आगे की चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, बाय वर्ड के बारे में, ठीक है। जो भी लोग अब्सेंट है ग्रुप में वीडियोज डाल दिया जाएगा, अगर कुछ भी है तो आप उससे वहां से देख सकते, ठीक है बच्चों। ठीक है बेटा, सुविधा आज के लिए इतना ही, थैंक यू सर। मुश्किल।